मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीबीगंज बरेली से। तो आज हम एक टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करेंगे जिसका नाम है पदार्थ, मैटर। पदार्थ मैटर ये क्या होता है? संसार की प्रत्येक वस्तु जिस भी चीज से बनी हुई है, जिस सामग्री से बनी हुई है, उसे पदार्थ कहा जाता है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं, वे वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं, वह सारी की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे जैसे यहाँ पर फैन, पंखा, पैन, ये बोर्ड, स्याही, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी पदार्थ हैं। इनकी पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली सॉलिड, जिसे ठोस कहते हैं। सेकेंड वन इज लिक्विड, जिसे द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज गैस कहा जाता है। सॉलिड की बात करते हैं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वे सभी वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। जैसे 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 डस्टर, इसका जो आकार है वो एक निश्चित है, इसे ये चेंज नहीं होता। जैसा आज है ये ऐसा ही कल भी रहेगा, परसों देखेंगे परसों भी यही रहेगा, सालों साल इसका आकार ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसका आकार हो गया निश्चित। बात करते हैं अब आयतन की। आयतन वैसे तो ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभ में इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है, जब इसका आकार नहीं बदल रहा, ना लंबाई बदल रही है, ना ही चौड़ाई इसकी बदल रही है और ना ही ऊंचाई बदल रही है, तब इसका आयतन भी फिक्स हो गया। उदाहरण में लकड़ी, लोहा, पत्थर, नमक, चीनी आदि, ये सभी वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। अगला है द्रव। ये द्रव क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, और आयतन आयतन निश्चित होता है, वे सभी वस्तुएं या पदार्थ द्रव कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ये पानी, ये अभी इस समय इस बोतल में है, इसका आकार अभी इस बोतल के आकार का है, इसे अगर हम किसी ग्लास में कर देंगे तो वो ग्लास का रूप ग्रहण कर लेगा, अगर किसी और बर्तन में करेंगे
तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, इसका आकार चेंज होता रहता है। बात करें इसके आयतन की, तो आयतन अगर मान लीजिए ये अभी एक लीटर है, सपोज किया ये एक लीटर है, अगर इसे बाल्टी में लौटेंगे तब भी ये एक लीटर ही रहेगा, अगर किसी इसे किसी और बर्तन में करेंगे तब भी ये एक लीटर ही रहेगा, इसका आयतन भी आयतन चेंज नहीं होता, लेकिन आकार जिस बर्तन में रखा जाता है वैसे ही ग्रहण कर लेता है। उदाहरण में पानी, दूध, तेल आदि, जितनी भी तरल वस्तुएं हैं वो सारी द्रव होती हैं। बात करते हैं गैस की, तो वे पदार्थ जिनका जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ गैस कहलाते हैं। उदाहरण जैसे धुआं, आप सभी ने देखा ही है सुबह मॉर्निंग में जब पूजा करते हैं तो धूप बत्ती से उठने वाला धुआं, उसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही आयतन होता है। तो जितनी भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, ये सारी गैसें होती हैं। इसमें एक चीज और, इसको पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, ये तीनों का सम्मिलित रूप है और द्रव इस द्रव्य की एक अवस्था होती है। ठोस, ठोस के अगर हम अणुओं की बात करें तो इनमें जो अणु होते हैं, ठोसों के अणु, वो बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं इस तरह से। अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है और ये केवल कंपन गति ही कर सकते हैं। इस तरह से ये ठोस के अणुओं का पैटर्न हो गया। द्रव में, द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस के अणुओं से थोड़ा दूर दूर होते हैं इस टाइप से। और गैस के अणुओं की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठोस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रव के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये केवल कंपन गति कर सकते हैं, अपने स्थान से कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लिक्विड में, द्रव में इनके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान ज्यादा है, इसलिए ये जितने बीच में है उतने बीच में घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। और गैसों में ये बहुत दूर तक आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इनमें अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, इसलिए इनके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, जिस कारण से ये ठोस कठोर होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इनके अणुओं के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल
ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, जिस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक ठोसों की अपेक्षा कम होता है। गैसों में अंतरार्विक आकर्षण बल, चूँकि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक है, इसलिए अंतरार्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है, या यूं कहें बिल्कुल नगण्य होता है, जिस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।